गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत करने के लिए मंगलवार को वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में अपने बलों को जाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीतिका सहदेव ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया और Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टरों द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं का पंखुड़ी गिराकर स्वागत किया गया। इसके अलावा विद्यालय के छात्र व छात्राओं को लड़ाकू विमान जगुआर सहित अन्य वायुसेना के सभी विमानों के बारे में जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुण द्वारा ऑपरेशन अभ्यास आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसका उपस्थित लोगों ने अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह वर्धन किया और कार्यक्रम में आयोजनों के अलावा लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और भारतीय वायुसेना की अन्य सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिस पर लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विशेषकर छात्रों ने खरीदारी की। लोगों ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य भारतीय वायुसेना उपकरणों को निकटता से अवलोकन किया, जो कि पहले कभी नहीं देखा था। इस अवसर पर एयर कमोडोर मनीष सहदेव, ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार, NG जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई सहित विद्यालय के छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक वैष्णवी संगीता, करुणेश, मीनाक्षी और वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीतिका सहदेव ने कहा, My name is Divya Chauhan and I am from Big Proposal School and the answer is Avni Chatterjee. A huge round of applause for the correct answer. I'm sure all of you must be inspired by Avni Chatterjee. Okay, the next question. Which is the highest rank in Indian Air Force? Look at the aircraft. The surprise is still not open. This B-17 aircraft is being commanded by Squadron Sivraj and Squadron Gopale as co-pilot. Please give them a big round of applause. So let us continue. Thank you. बहुत बढ़िया, इसी जोश के साथ हमें दो तीन क्वेश्चंस के जवाब और दीजिए। This question, okay, we have a contender, please. I am Manjit Sani from Task 9C, Tommy Air Force School. The answer is SCAD. Wonderful, please. Good answer. Okay, runway ki taraf banaye rakhe kyunki ab.
जैगुआर इन 3, 2, 1 टुवर्ड्स द रनवे. Next aircraft that we are going to see today taking off is पुष्कर श्रीवास्तव हमारे वायुसेना पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. Insertion zone, helicopter assumes slow speed and low height.
छुपाव हासिल करते हुए पहुंच जाने पर बड़ी कंट्री साइलेंस डे का अंजाम आपको अपने आगे नहीं आएंगे मीडिया चुपचाप बिना किसी शोर के निकल जाते हैं। In the Air Force flag is JW Upper Engines Indora with more than 600 jumps to his credit. Please give of aerospace part in defense of the nation. Please welcome. The grey parachutes are being deployed by Sergeant Sushil with more than 500 hours. Formation known as the Triumph. This is a veteran canopy depicting the strength and courage. His wing commander AK Yadav, the formation leader at top, who is solely controlling the whole formation. He is a senior parachute jump instructor with more than. Please let them see that you are with fitness. Look straight ahead as they land in front of you. They will shortly de-link and land individually. The maneuver is being performed by Warrant Officer R.K. Mishra, PGI, with more than 1100 jumps to his credit, and JW Anil, PGI, with more than 800 jumps to his credit. Hello. ठीक लगा। क्या देखा? एरोप्लेन। और क्या लिया आपने? एक बार बोल दो चलो। वैष्णवी, मैंने यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट देखे एंड यूनिट स्टॉल्स देखे, तो काफी अच्छा है, मजा आ रहा है। बस वो अपने एयरक्राफ्ट के बारे में ही बता रहे हैं। तो पहली बार आई हैं? हाँ जी, मैं पहली बार। कैसा लगा? बहुत बहुत मजा आ रहा है। संगीता करुणेश, यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट देखने को मिले जो डिस्प्ले में हैं, और हमें काफी फ्लाई करते हुए भी दिखे, तो अच्छा लग रहा है आकर। कैसा लगा यहाँ? पहली बार आई? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। मैंने हेलीकॉप्टर भी देखा, जगुआर देखा, सूर्य किरण देखा, तो अच्छा लग रहा है। जानकारी जान के भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह के हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मीनाक्षी, ट्रेन पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ हम लोग टीवी पर देखते थे वो आज प्रत्यक्ष रूप से देखी है। जगुआर और बहुत सारी एक ऐसी चेयर देखी है जो निकल जाती है जब कोई इमरजेंसी होती है। काफ़ी कुछ इन लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, और आज सच में पता चला कि हमारी जो वायु सेना है वो सच में बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत अच्छी है। बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने घर में ले जाके लगा सकते हैं कि वायु सेना का है ये, इस तरीके से। हाँ, बदलाव क्या, बस ये है कि
मुझे आज पता चला है कि हमारी जो वायुसेना है सच में बहुत एडवांस है और कितना करती है। जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे हमारी रक्षा करती है, हवा से लोगों को बचाती है, चारों तरफ हम पे नज़र रखती है और बस बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम नीतिका सहदेव है, मैं प्रेसिडेंट आफवा लोकल हूँ। आई एम मैरिड टू एयर कोमोडोर मनीष सहदेव हु इज एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर 17 विंग। हम अपनी फैमिलीज के लिए एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आफवा है चलाते हैं, एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन। इसके तहत बहुत सारे वेंचर्स और वेलफेयर एक्टिविटीज स्टेशन में चलाई जाती हैं। उनमें जो मेन एक्टिविटीज़ हैं या वेंचर्स हैं वो हैं हमारी आफवा शॉप्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जो बच्चों के लिए, संगिनियों के लिए, फैमिलीज के लिए यूजफुल हैं वो बेचे जाते हैं। उसके अलावा हमारा एक संगिनी कॉर्नर मेन होता है इन शॉप्स में, जिसमें जो हमारी संगिनियाँ आइटम्स बना के सेल करना चाहती हैं, आफवा चाहता है उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, तो ये एक हेल्प है। एक कॉर्नर हम सिर्फ संगिनीज को देकर रखते हैं, वो अपने आइटम्स खुद के बनाए हुए वहाँ सेल करती हैं और प्रॉफिट्स उनको जाते हैं। उसके अलावा स्टेशन में दो प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं, एक और स्कूल चलाया जा रहा है जिसका नाम है उम्मीद, जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए स्कूल है। देन हमारे और बहुत सारे वेंचर्स हैं, जैसे कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जिसमें हम अच्छे रेट्स में स्टेशन के अंदर क्लासेस चला रहे हैं, जिसका फ़ायदा संगिनीज और उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे उठा रहे हैं। इसके अलावा हमारे ताइक्वांडो में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, हमारी हॉबी क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, स्टिचिंग क्लासेस हैं, ड्राइविंग क्लासेस भी हम चला रहे हैं जो संगिनीज को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो मेन एम आफवा का है कि लेडीज़ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, अवेयरनेस लेवल उनका आज की दुनिया के बारे में ज़्यादा हो, उनका हर वे से वेलफेयर हो और एयरफोर्स स्टेशन एक खुश सुखी परिवार बनकर रहे। धन्यवाद।